वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है। सत्र 2019 से 2022 का कल से एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप सभी रूटीन भी देख लिए हैं, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि गेस पेपर नहीं खरीदे हैं तो गेस पेपर भी खरीद लिए होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम कल से शुरू होगा स्नातक पार्ट टू का, और कल से जो है छपाई शुरू हो जाएगा। अब कल से कितने छात्रों का हाथ दर्द करेगा, कितने छात्र का पैर दर्द करेगा, अब तो ये कल पता चलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे सत्र 19 से 22 का स्नातक पार्ट टू का एग्जाम कैसे देना है। सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और स्नातक पार्ट टू का जो एग्जाम है कल से शुरू होगा, तो देखिए सबसे पहले आपके पास रूटीन रहना जरूरी है। रूटीन आप biharinfo.in के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं www.biharinfo.in पर आएंगे और आपको वीकेसी बॉक्स में चले आना है, यहाँ पे वीकेसी। अब इसमें आपको देखना है कि वीकेसी का जो पार्ट टू का जो टाइम टेबल है यहाँ पे है, वीकेसी का टाइम टेबल यहाँ पे, और इसको क्या करना है कि डाउनलोड पर लेकर के हम बता देते हैं। अब देखिए कल 19 तारीख को एग्जाम किसका है, सबसे पहले ये जान लीजिए। 19 तारीख को जो एग्जाम है यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप ए वाले छात्रों का, ग्रुप ए वाले छात्रों का एग्जाम है, ग्रुप बी वाले छात्रों का एग्जाम है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का ऑनर्स विषय का एग्जाम है, ग्रुप बी का भी ऑनर्स विषय का एग्जाम है। सुबह आपको जो एग्जाम शुरू होगा 10 बजे से 1 बजे तक शुरू होगा, और सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक। आपको घर से अपने सेंटर के अनुसार आपका सेंटर पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपको आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 बजे एग्जाम है, तो वहाँ पे 9:30 तक पहुँच जाना है, 9:30 के बाद नहीं पहुँचना है, 9:30 तक पहुँच जाना है। अब इसके बाद 2 बजे एग्जाम है, तो 1:30 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। अब ग्रुप ए का एग्जाम है, ग्रुप बी का एग्जाम है, पेपर थ्री होगा ग्रुप बी में भी, और सेकेंड शिफ्ट में BBA का एग्जाम और केमिस्ट्री का तीसरा पेपर है। ये जान लीजिए केमिस्ट्री का 3 पेपर होता है ऑनर्स में, आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन दिया होगा केमिस्ट्री का। ग्रुप ए में किसका एग्जाम है कल फर्स्ट शिफ्ट में, फिजिक्स बोटनी जूलॉजी मैथ कॉमर्स IFF कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इनका एग्जाम जो है सुबह होगा 10 बजे से 1 बजे तक। सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप बी का पॉलिटिकल साइंस एशियंट हिस्ट्री LHW पब्लिक एडमिनिस्ट्री बौद्धिस्ट स्टडीज और सोशोलॉजी, इनका जो एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट में होगा। केमिस्ट्री का एग्जाम है तीसरा पेपर का ए का, और BBA का एग्जाम है छठवां पेपर फर्स्ट शिफ्ट में। ये आप लोग जान लीजिए 19 तारीख में। अब 19 तारीख का पास कोर्स का देख लेते हैं, 19 का तारीख में पास कोर्स का हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में बोटनी का एग्जाम है और एशियंट हिस्ट्री का एग्जाम है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। पास कोर्स ये अलग होता है, आप लोगों को पता होगा जनरल का जो 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है, और सेकेंड शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्री में, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बजे से 3 बजे तक ये एग्जाम है आपका, वो फर्स्ट शिफ्ट का सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। जनरल पास कोर्स में बोटनी और एशियंट हिस्ट्री, और सेकेंड शिफ्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट। ये तो आपका एग्जाम का रहा। आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडमिट कार्ड को क्या करना है कि अपने डाउनलोड कर का इसका प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। प्रिंट लेकर आपको इसके साथ आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, और पेन ले लेना है, ब्लू और ब्लैक पेन ले लेना है, और एडमिट कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड लेना है, और चिट पूजा जो लिए होंगे उसको घर छोड़ देना है, क्योंकि चिट पूजा लेकर अलाउ नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि हम तो वीडियो के माध्यम से बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और आधार कार्ड प्रूफ के तौर पर ले लीजिएगा। इसके बाद खा पी कर रेडी होकर ही जाइएगा, और वहाँ पर जो एग्ज़ाम है कदाचार मुक्त में दीजिएगा। अब रहा कि एडमिट कार्ड हो गया, रूटीन देख लिए, गेस पेपर, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि गेस पेपर कौन सा लें, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे VKSU मारते हैं, VKSU गेस पेपर यहाँ पे सर्च किए, और यहाँ पे इसको आ जाते हैं इमेज में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो देख सकते हैं कि गेस पेपर में एक आता है टारगेट का, एक आता है A1 का, बहुत सारे छात्र जो देखते होंगे A1 टारगेट, बहुत सारे गाइड हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये VKSU का गाइड है। आप लोग क्या करना है कि इसको दुकान से ले लेना है और याद कर लीजिएगा, और याद कर से अपने मन से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये तो मान लीजिए कि प्रश्न रहा, इसमें तो उत्तर आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि टीचर भी जानते हैं कॉपी जांचने वाले कि बहुत सारे छात्र जो हैं गेस पेपर से ही लिखेंगे, तो नंबर एक अनुसार मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, VKSU एग्जाम लेता है,
जिन छात्रों का एग्जाम का जो उत्तर होता है याद भी रहता है और जिनका याद नहीं भी रहता है वो सभी लोग मिल जाते हैं। जो अपने मन से लिखेगा या चेट करके लिखेगा उसका सब मार्क्स औसत एवरेज बनाकर ही दे दिया जाता है। ये नहीं है कि अपने मन से लिखे हैं चेट करके लिखे हैं, वहाँ पे पेज भरना चाहिए, लगभग 20 से 22 पेज भरिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम 20 22 25 जितना चले जाए, हो सके तो हम लोग के समय में तो पेज भर कर आते थे और फर्स्ट डिवीजन मार्क्स है हम लोग का, तो आप लोग भी अधिकांश कीजिएगा पेज पूरा भर दीजिएगा। हाँ, अब आपका जो उत्तर है यहाँ पे देखिए, अब मान लेते हैं एक तो ओ एम आर शीट मिलेगा तो ओ एम आर शीट तो आप लोग भर लेंगे क्योंकि आप लोग टेंथ इंटर से भरते आ रहे हैं। और जो कॉपी होता है, कॉपी में क्या करना है, ये देखिए ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। अब ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पे है तो ऐसा आपको कॉपी मिल गया, आपको क्या करना है कि इसको फोल्ड कर देना है, बीचों बीच यहाँ से क्या करना है कि फोल्ड कर देना, यहाँ से मोड़ देना है और आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से सटा कर नहीं लिखना है, यहाँ से कम ये पेज जितना है तो यहाँ से आपको लिखना है। और लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आप लोग को समझ में आता है, पोर्ट्रेट ए फोर साइज जो होता है, ए फोर जो टू कॉपी का आप लोग का एडमिट कार्ड है, तो वैसे जो पेज होता है वैसे पेज नहीं देगा आपका, जो पेज होता है लैंडस्केप में देगा, सुता कर जो होता है पेज को रोटेट करके देगा। ए फोर साइज का जो होता है उसको आप रोटेट कर देंगे वैसे आपका कॉपी देगा। आपको लिखना है तो कम से कम एक दो तीन इंच छोड़ कर ही आपको उत्तर लिखना है, जैसे आपका कॉपी भरे जल्दी से भरे। अब ये तो रहा कॉपी लिखने का स्टाइल, उत्तर कहाँ से लिखना है, गेस पेपर से तो आप लोग लिख लेंगे, लेकिन कुछ आप लोग इंटरनेट का भी सहारा लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट तो अलाउ हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने मन से ही कुछ लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए ये तो आपका एग्जाम हुआ, आप लोग लिख भी लेंगे, आपका एग्जाम सेंटर भी पता चल गया, ओ एम आर शीट भी आपको भरना है, ओ एम आर शीट भी भर देंगे। अब जो दिक्कत होता है कि स्नातक पार्ट टू का एग्जाम में, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब रहा कि आप लोग एग्जाम देने कल जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।